हाय दोस्तों, एक नई उमंग, नई ऊर्जा और एक नई जगह पे मैं जॉनी फिलोसफर आज आप लोगों को व्यू कराऊंगा कुछ नैनीताल की साइड सीन्स। मैं नैनीताल काफ़ी साल बाद आया हूँ। ये है वुडलैंड वाटरफॉल। यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ आए थे हनीमून के लिए। ऊपर काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है और एक कपल पैलेस है, पिकनिक पैलेस। इसका ओपनिंग टाइम 10 बजे और सुबह के 8:30 बजे हैं अभी। नैनीताल में ऐसी और भी कई चीज़ें हैं। अभी तो मैंने जर्नी की शुरुआत कर रखी है, अभी तो जा रहे हैं अभी अगले साइड सीन पे। अभी मैं हूँ चाइना पिक के रास्ते पर। मेरा ग्रुप फैमिली वाले पीछे छूट गए दोस्तों। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा काम कर रखा है और कचरे को इकट्ठा कर रखा है। आप लोग भी जब कचरा दिखे ना, उसको जहाँ पे मिले ऐसी जगह क्या करना है, ताकि गवर्नमेंट को भी सुविधा हो, नगर पालिका वाले यहाँ से पिक कर लेंगे पूरा कचरा। और ऐसे ही हमारा शहर ये नैनीताल और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। जैसे तोलोलिंग की चढ़ाई बोलते हैं, या एवरेस्ट हो, या ऐसे हाई जो पिक होती है। हाँ, चाइना पिक नाम है और इसका नाम नंदा पिक भी बोलते हैं, नंदा देवी श्रृंखला वाली नहीं, नंदा देवी पहाड़ी जो श्रृंखला है, नंदा पिक बोलते हैं नैनीताल के अंदर। और ये देखो मेरे दीदी जी आजी आ रहे हैं लड़खड़ाते हुए कदमों से, धीरे धीरे चलते हुए। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और यहाँ पे खाली यूट्यूब में कई वीडियो डाल चुके लोग की काफ़ी चढ़ाई है। देख ग्रुप पीछे से आ रहा है। जंगली जानवरों का बहुत खतरा है दोस्तों यहाँ पे। अकेले मेरी तरह मत चल देना आप पहलवान की तरह। देखो ये भी एक बोतल गिरी है, इसको भी सेट कर देंगे अभी। और देखो आधी तूफान से पेड़ भी गिर रखा है और ऐसे दूसरा वाला पेड़ भी गया है यहाँ पे देखो। तो आप क्या है ना, सेफ्टी से चलना है कभी भी हो। मेरा तो इंडियन आर्मी में इतना एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अनुभव है अकेले चलने का, कश्मीर बॉर्डर पे और नॉर्थ ईस्ट सिक्किम कई बॉर्डर पे रहा हूँ मैं। तो मैं अपना कैसे किस सिचुएशन से निपटना पड़ता है, अच्छे से मैंने ट्रेनिंग ले रखी उसकी। और ये माद देख रहे हो, ऐसे मादों में शेर वगैरह रहते हैं, पर यहाँ पे है नहीं। ऐसी जो गुफा है ना दोस्तों, इसमें जंगली जानवर अपना रात को रहते हैं। अभी तो है दिन, इसलिए कहीं चले गए होंगे जानवर। यहाँ पे रात को बारिश के टाइम ऐसे गुफाओं में छिपते हैं। तो मैंने आगे चलना है, रुकना नहीं। नैनीताल घूमने का, आप दिसंबर जनवरी हो गया, विंटर का सीज़न हो गया, फिर ये रेनी सीज़न हो गया, और उससे पहले जो बसंत का होता है ना, मार्च अप्रैल का, उसमें बुरांस खिलते हैं, ऐसे ऐसे फूल खिलते हैं। और यहाँ पे अभी हरियाली है, उस टाइम रंग बिरंगे फूल, अभी हरियाली हरियाली। तो आप नैनीताल में किसी भी टाइम घूमने आ सकते हो, बारिश कभी भी आ सकती है नैनीताल के अंदर। ऐसे कि मानसून में बरसात के टाइम पे कभी भी हवा के झोंके कहीं भी बादलों को इधर उधर फेंकते रहते हैं, और बारिश यहाँ पे कभी भी आ सकती है। आज भी होगी तो बारिश होगी पक्का। इसलिए अपना क्या है ना, ट्रैकिंग करते हो एक ट्रैकिंग बैग में मेरी तरह, रेन कवर और अपना एक ऐसा रेनकोट कि आप बारिश से भीगने से बच जाए, वो कैरी करना है। दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हो, आप छोटा सा एक तप्पड़ दिख रहा ना, एक छोटी सी बिल्डिंग है। इसमें राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी, पालन खेत नाम बनाया था इस पूरे इलाके को, यहाँ पे हुई थी राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग। और मेरा गुरु अभी मुझे कवर कर चुका, मैंने 3-4 मिनट का होल्ड किया था। ये देखो जिया जी हमारे बिल्कुल थके हारे भी नहीं है। और दीदी को देखो आप, इस उम्र में सैल्यूट करता हूँ कि यहाँ जो प्लेन्स के टूरिस्ट होते हैं उनसे ज्यादा जोश है, 20 किलोमीटर चढ़ सकती हूँ, 50 साल की एज में भी अपने को 50 साल। ये तो हम छोटे बच्चे हैं, 90 के बाद के हैं बॉर्न। देखो एक और ब्लॉगर हमारे साथ जॉनी फिलोसफर। काफी प्यारा ट्रैक है, आप भी आइए चाइना पिक। नैनीताल के सराउंडिंग में काफ़ी पिक्स हैं, मतलब काफ़ी चोटियाँ हैं, पर चाइना पिक सबसे ऊंची पिक है नैनीताल शहर के चारों ओर की।
आप ध्यान में एक चीज रखना दोस्तों, जब भी आप आ रहे हो अपने साथ कोई जानवर मत लेके आना। हमारे साथ तो चलो पहला ट्रैकिंग करने वाला एनिमल भी बन चुका है इसराइल। चाइना पीक में जानवर प्रतिबंधित एरिया है, जानवरों को यहाँ अलाउड नहीं है क्योंकि जंगली जानवर अटैक कर लेते हैं। तो रेस्क्यू के लिए इंसान को बचाएं या जानवर को बचाएं। और हमारे पास शिकारी कुत्ता हो वो भी यहाँ के जंगली जानवर जैसे मोर हो गए, कई ऐसे ऐसे हमारे पास पक्षी है ना, जंगली मुर्गियाँ हो गई, तो वाइल्ड लाइफ वालों ने स्टे लगा रखा है कि एनिमल नहीं आए यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चाइना पीक, इसका दूसरा नाम है नैना पीक। उत्तराखंड वन विभाग ने चेतावनी के तौर पर सावधानी, यह नैना देवी हिमालय, देखो आप पढ़ लो इसको, यहाँ पे कूड़ा करकट फैलाना सख्त मना है। ये वाला आता है किलबरी से, जो ये रास्ता है किलबरी से काफ़ी चढ़ा है। जिस रास्ते हम आए उससे काफ़ी 6 या 7 किलोमीटर के दायरे में अप डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ से गए 12 या 13 किलोमीटर बढ़ता है अप डाउन किलबरी का रास्ता, और जॉग भी ज़्यादा है इस रास्ते में। जो मेरे पीछे चौकी दिखाई दे रही है, ये है उत्तराखंड वन विभाग फॉरेस्ट विभाग की चौकी है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं फॉरेस्ट विभाग से। चाइना पीक तो हम पहुँच ही गए, लेकिन आज ऐसे ही हमारी किस्मत ख़राब है ना, कोहरे ने चारों ओर से घेर रखा है नैनीताल शहर को। और जिस पर्पज से मनी सार का था, कोई नहीं अगेन कोहरा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। किस्मत से 10-15 मिनट और ठहरता हूँ, उसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ से नैनीताल वापस। चाइना पीक से नैनीताल शहर को देखने के लिए अगले दिन आना पड़ेगा, अब वापस नैनीताल। मैं आजकल हल्द्वानी रह रहा हूँ, हल्द्वानी से नैनीताल 35 किलोमीटर के आसपास है। लास्ट टाइम मैं आया था 2017 में हनीमून ट्रिप पे, उसके बाद आज 5.5 साल हो गए, आज आने का मौका मिला है। हम आ गए वापस भीमताल के रास्ते, वापस आए नैनीताल से भीमताल होते हैं। और देखो आज हल्द्वानी शहर का नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है, बारिश के बाद ना धूल उल बिछ गई शायद दब गई, तो हल्द्वानी क्लियर नज़र आ रहा ऊपर से। आज मौसम ने अच्छा खासा साथ दिया है, अगर बारिश हो जाती ना हालत ख़राब हो जाती है। भले ही चाइना पीक में जाके कोहरा नज़र आया, नैनीताल को ढक रखा था कोहरे ने, हम वापस आ गए थे, हम भीमताल से वापस आए और अभी पहुँचे सलड़ के पास, यहाँ पे थोड़ा चाय पानी, उसके बाद निकलेंगे हल्द्वानी। अब पहुँचा मैं हल्द्वानी। लोग बागों ने चाइना पीक की चढ़ाई को ऐसा हवा बना रखा था ना, 2.25 घंटे में अप डाउन किया मैंने, जहाँ से पैदल रास्ता है। और जो लोग डराते ना कि पहाड़ के रास्ते ब्लॉक रहते हैं बरसात में, भैया ऐसे डराओ मत, घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, घूमने फिरने से ताजगी आती बॉडी में और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। तो अपनी फटपटी में गया था आधे रास्ते तक बाइक पे, बुलेट पे, उसके बाद मैंने क्या किया, दीदी जी आई हुई कार में लिफ्ट मांगी और घूम फिर के वापस अभी आ गया हूँ। राइट टाइम में पहुँचा हूँ, 20 मिनट हुए मुझे यहाँ पहुँचे हुए, फ्रेश फ्रेश हो गए, नहा धो गए, अभी चाय पी रहा था और मौसम हो गया पैक।
पूरी नैनीताल और ये भीमताल की पहाड़ियाँ हो गई बादल से पैक। कुछ देर में मौसम बारिश ही जाएगा, मेरी तो किस्मत बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों आज के सफ़र का अनुभव कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना आप, और वीडियो थोड़ा सी पसंद आए ना लाइक और शेयर कर देना, अगर इससे ज़्यादा थोड़ा और पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। जय भारत, जय हिंद।